नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। नागरिकता कानून को लेकर देश में कुछ लोग जबरदस्त विरोध कर रहे हैं और मीडिया का एक धड़ा इसके समर्थन में भी खड़ा है। वहीं देश का एक बड़ा तबका मोदी सरकार के इस फैसले के साथ खड़ा है। वो सीएए के सपोर्ट में रैलियां निकाल रहे हैं, लेकिन देश के लिबरल और सरकार विरोधी पत्रकारों को यह नहीं दिख रहा है। उन्हें तो बस देश में शाहीन बाग का प्रदर्शन और जामिया का ही प्रदर्शन सही लगता है, क्योंकि एक तो यह प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा है और दूसरा एसी कमरों में बैठकर यह अंदेशा लगा सकते हैं कि क्या कहां हो रहा है, और नहीं तो चले गए देख लिया। अब एक दूसरी कहानी झारखंड के लोहरदगा की। सीएए के समर्थन में लोहरदगा में प्रदर्शन चल रहा था, लोगों ने रैली निकाली हुई, लेकिन जैसे ही ये रैली मस्जिद के पास पहुंचती है उस पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और कुछ उपद्रवी, हम नहीं कहते ये कौन है। इस समर्थन रैली में नीरज प्रजापति भी था, जिसके सिर पर रॉड से हमला किया गया था और दो दिन के बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन आपने इस खबर को नहीं देखा होगा। इस पर लिबरल मीडिया की नजर नहीं गई, क्योंकि यह जिला दिल्ली से काफी दूर था। दूसरा मरने वाला नीरज प्रजापति था, जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी से आता है, जिसके मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो और, जिस राज्य में जो कुछ हुआ उस राज्य में सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही है, तो वहां कोई मरे या जिए उससे इनका क्या। अब फिर चलते हैं दिल्ली। जामिया में प्रदर्शन चल रहा होता है, एक शख्स हवा में बंदूक लहराता हुआ आता है, फायरिंग करता है, एक छात्र शादाब घायल हो जाता है, लिबरल पत्रकार लगे हाथ कूद जाते हैं मैदान, दिल्ली पुलिस से लेकर उस शख्स के पीछे इतना छाती पीटते हैं कि पूरा देश का दर्द उस बंदूक से निकली गोली दे गई हो, क्योंकि गोली किसी अल्पसंख्यक को लगी और गोली चलाने वाला राम भक्त था। लिबरल पत्रकारों को मिल गया मसाला और बनने लगी बिरयानी, वही बिरयानी जो शाहीन बाग में परोसी जा रही है ताकि आप शर्जील इमाम को भूल जाएं, भारत को अलग करने वाले लोगों को भूल जाएं, और आप गोपाल की बात करने लगे। हमारा मकसद ना गोपाल की यहां बात करना है और ना ही शर्जील इमाम की, हम बात कर रहे हैं नीरज प्रजापति की। नीरज प्रजापति भगवान की मूर्तियां बनाता था, पूरे परिवार का अकेले भरण पोषण करने वाला था। उसकी गलती बस इतनी हो गई कि वो नागरिकता कानून में उसके समर्थन में था, और दूसरी बड़ी गलती जिसके लिए वो जिम्मेदार भी नहीं था, वो था हिंदू होना। इस देश की मानसिकता ऐसी बना दी गई है जिसमें आप अगर हिंदू हैं तो आपको ही मैनेज करना है। वहीं अगर इस देश में प्रदर्शन के दौरान कोई मुस्लिम मर जाता है तो देखिए कैसे लिबरल पत्रकार और सरकार सब जाग जाते हैं, लेकिन अगर एक गरीब हिंदू मर जाए तो उसकी अंत्येष्टि तक टॉर्च की रोशनी में होती है। सोच का फर्क देखिए। आप बताइए कि नीरज प्रजापति की गलती क्या थी। क्या नीरज प्रजापति ने नागरिकता कानून के समर्थन में रैली में शामिल होकर कोई गलती कर दी थी? क्या वो देश की चुनी हुई सरकार के फैसले से सहमत भी नहीं हो सकता? और बड़ी बात यह कि लोहरदगा में नागरिकता कानून के समर्थन में रैली पर पत्थर फेंकने वाले ये लोग कौन थे? किसने नीरज प्रजापति पर हमला किया? किसने उसके सिर पर रॉड से वार किया? ये सब बड़े सवाल हैं, लेकिन इन्हें कोई पत्रकार पूछने वाला नहीं है। वो क्यों पूछे? इस देश में मान मनोवल दिक्कत और समस्या तो सिर्फ मुसलमानों को हो रही है, हिंदू की जान भी चली जाए तो भी उसकी गलती निकालने लगते हैं। खैर, आपको बता दूं कि नीरज प्रजापति के परिवार के भरण पोषण में भी बहुत दिक्कत है। उसकी मौत के बाद उसे कोई भी सरकारी मदद नहीं मिली। सरकार ने नीरज प्रजापति के परिवार के बारे में सोचने की कोशिश तक नहीं की कि आखिर उसका परिवार चलेगा कैसे, उसे छोड़ दिया गया। हमारे इस वीडियो का मकसद ही है कि आप तक हर वो खबर पहुंचाएं जिससे हम और आप प्रभावित होते हैं। साथ ही लिबरल पत्रकारों के फैलाए गए झूठ का भी पर्दाफाश हम कर सकें। ऐसा सफेद झूठ
जिससे देश को बांटने वालों का सच छुप सके और जो वास्तव में प्रभावित हुआ है, जिसकी जान गई है, वो ठगा सा सरकार और सिस्टम की तरफ उम्मीद की आस में ताकता रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम। मित्रों, आज मैं यहां पर आने वाले विधानसभा चुनाव में भाई अजीत खड़करी को जिताने के लिए यहां पर आया हूं। सर्वप्रथम मैं पूज्य गुरु बाबा हरिदास जी और दादा बूढ़े जी को नमन कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और ये पूरा क्षेत्र वीर माताओं और वीर योद्धाओं का क्षेत्र है। अनेक परिवार ऐसे हैं जिन्होंने यहां से देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए अपने नौजवान बेटों को सेना में भर्ती कर देश की सुरक्षा के लिए भेजा है। और मैं आज आपके सामने आया हूं तब आपको कहना चाहता हूं कि 8 तारीख को जब आप मतदान करें, अरे भैया, ओ बाबूजी, ए इनको अंदर ला दो, जरा आप अंदर आ जाइए, अकेले तो ढंग से दिखाई पड़ेगा। 8 तारीख को जब आप मतदान करें तो ऐसे मत सोचना कि आपका एक वोट अजीत भाई को विधायक बनाएगा, ऐसे मत सोचना। आपका वोट का ताकत बड़ा है, आपका एक वोट पूरे देश भर में ये संदेश भेजने वाले हैं कि नजफगढ़ शाहीन बाग वालों के साथ है या भारत माता के बेटों के साथ। आपका एक वोट ये संदेश देने वाला है कि इस देश को किस रास्ते पर चलना है। एक सरकार ऐसी है जो 5 साल से झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, और जब उनका पर्दाफाश कर दे, ये प्रवेश अभी कोई स्कूल में चला गया, वहां गया तो मालूम पड़ा स्कूल को गिराने का नोटिस मिल गया, उसने ट्वीट कर दिया तो कह रहे दिल्ली का अपमान कर रहे हो। अरे केजरीवाल जी, इंदिरा जी को एक जमाने में सब लोग उनके जो आसपास वाले थे वो कहते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। अब हम आपके झूठ का पर्दाफाश करते हैं, इसमें दिल्ली वालों का क्या अपमान हुआ? आप अपने आप को दिल्ली समझते हो क्या? मैं आपको बताने आया हूं, दिल्ली आप नहीं हो, ये दिल्ली मेरे सामने बैठे वाले नजफगढ़ के हमारे मतदाता भाई बहन। हम तो आप जो झूठ बोल रहे हो उसको गिन गिन कर आपके सामने रखने का काम करते। आपने कहा था कि आपकी पार्टी जीतेगी तो सरकारी मकान कोई नहीं लेगा, सरकारी गाड़ी कोई नहीं लेगा। माताओं बहनों, युवा मित्रों, जीतते ही सबसे पहला काम सरकारी बंगलो और गाड़ी लेने का कर टप से अंदर बैठ गए। मित्रों, उन्होंने कहा था 1000 नए स्कूल बनाएंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, गांव वालों बताओ, 1000 स्कूल आपके गांव में कहीं दिखाई पड़ते हैं क्या? जोर से बोलो, दिखाई पड़ते हैं? अरे आपने कुछ नहीं किया, हमारे साहिब सिंह कर जो गए थे उसको भी टूटा फूटा करने का काम आपने कर दिया। मित्रों, इन्होंने कहा था 50 से ज्यादा कॉलेज बनाएंगे, जरा एक कॉलेज का नाम दे दे केजरीवाल जी, कहां बनाया है? केजरीवाल जी, 50 कॉलेज मांगती है दिल्ली की जनता आपसे,
पांच साल आप रहे, पांच साल शासन किया, कुछ नहीं किया। 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने वाले थे, कितने कैमरा लगे, इक्का दुक्का गिराने के लिए सब ये लगा दिए हैं, मगर उसका बैकअप सिस्टम कैमरा को क्या करोगे भाई? जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा, कंप्यूटर के साथ नहीं जुड़ेगा, थाने के साथ नहीं जुड़ेगा, गुनेगार पकड़े जाएंगे क्या? बताओ, बुजुर्गों पकड़े जाएंगे? ये कोई सिस्टम नहीं बना है। और कैमरा भी 15 लाख नहीं लगा है। 5,000 नई डीटीसी बस लेनी थी, जो थी उसमें 1,000 कम कर दी, और 5,000 नई बस लेने की बात करते थे। जितने भी अस्थाई नौकरी वाले थे उस सबको कहा था कि हम स्थाई नौकरी देंगे। भैया, स्थाई नौकरी किसी को नहीं मिली। आपने कहा था फ्री वाईफाई देंगे, ये युवा बैठे हैं मोबाइल लेकर, कहीं भी फ्री वाईफाई आया है? जरा बताओ, आया है? इन्होंने कहा था कि यूरोप जैसी सड़कें बनाएंगे। मैं अभी आया हूं, अभी अभी यहां पहुंचा, मालूम ही नहीं पड़ता गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। क्या वादे किए थे भैया आपने? उन्होंने कहा मां यमुना को हम स्वच्छ कर देंगे, निर्मल कर देंगे।